नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से ज्योतिषीय राशिफल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी भगवान शिव शंकर जी के आशीर्वाद से आज बहुत ही अच्छे और स्वस्थ ही होंगे अपने अपने घरों में। जी हाँ दोस्तों, आप हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों शर्म आती है इनको आपसे बोलने में, क्योंकि दोस्तों ये तुमसे बहुत प्यार करते हैं और आज बहुत जल्द इनसे संबंध भी बनने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले जो व्यक्ति आपके लिए प्रेरणा रखता है या फिर दोस्तों किसी भी स्त्री किसी के समीप जाते हैं, उनको दोस्तों उनसे बहुत ज्यादा शर्म आ जाता है और वही शर्माने की वजह उनको आज आपके समीक्षा हो चुका है और आपसे शर्मा रहे हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, है दोस्तों, धीरे धीरे इनकी शर्म खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे पति बहुत ज्यादा प्यार भी करने लगेंगे और बहुत जल्द इनसे संबंध भी बन जाएगा। दोस्तों आपने आज बिल्कुल सही सुना है और जैसे कि आपने दोस्तों थंबनेल और टाइटल में देखा, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। तो दोस्तों आइए आपको बता देते हैं अपने लव राशिफल के माध्यम से कर अपने जीवन में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलती है। दोस्तों आपका एक रुपया भी नहीं लगता है, पर आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारा उत्साह बढ़ता है दोस्तों, और हमें उत्साह होता है नई वीडियो बनाने के लिए, आप तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपको बता देते हैं कि दोस्तों आज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपना राशिफल कैसे रहने वाले हैं और ग्रहों की चाल के मुताबिक दोस्तों अपने आज का दिन कैसे रहने वाले हैं। जी हाँ, प्रेम स्वास्थ्य संपत्ति नौकरी पार लव लाइफ से संबंधित सारी जानकारी आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है। इसीलिए आपको बता देते हैं कि वीडियो को बिल्कुल मिस न करें और शुरू से अंत तक की एक बार अवश्य ही देख लें, क्योंकि दोस्तों ज्योतिषीय द्वारा गणना करके आप सभी तक इस बात को पहुंचाने के प्रयास कर रही हैं, ताकि आप सब सतर्क और सावधान हो सकेंगे। दोस्तों चलिए अब आपको बता देते हैं दोस्तों आज आपके लिए भाग्यशाली दिशाएं कौन सा रहने वाला है तथा भाग्यशाली संख्या कौन सा रहने वाले हैं और भाग्यशाली रंग कौन सा रहने वाला है। दोस्तों संपूर्ण तरह की जानकारी आपको प्राप्त होने जा रहा है, तो बस इस वीडियो को आधा अधूरा टिक करना चाहिए और शुरू से अंत तक एक बार अवश्य ही देख लेना। अक्सर आप सभी से करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखकर आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें आप सभी को कोई संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों जब तक संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपको कोई शुभ कार्य भी नहीं कर पाएंगे और जाने में गलतियों से कोई गलत कदम उठा लेते हैं, जिनसे आप सभी कोड़ोट बहुत बड़ी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। दोस्तों बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब आपको बता देते हैं जो अपने जीवन में क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी समस्या और कौन कौन सी परेशानियां उत्पन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर अपने जीवन काल में बहुत बड़ी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आ जाते हैं, उनकी खास मकसद ग्रह और गोचर रहता है। जब दोस्तों ग्रह और गोचर अपने निर्धारित समय पर अपने सितारों से होकर अपने कुंडलियों में परावर्तित हो जाते हैं, तो जीवन काल में नया नया समस्या आ जाता है। उर्वशी ग्रह और गोचर अवधि निर्धारित समय पर अपने सितारों से होकर अपने कुंडलियों में प्रवेश होते हैं, तो किसी प्रकार की उत्पत्ति और किसी प्रकार की समस्या नहीं रहता है, जीवन में हमेशा की तरह सफलता प्राप्त होते रहते हैं। दोस्तों धन दौलत को लेकर भी आपसे बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण और खास उपाय बताने जा रहे हैं
इस वीडियो के माध्यम से ताकि आप उन उपाय को करने के बाद अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं अपनी राशि के बारे में। उनसे पहले तो हमारे से चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे वीडियो आप सभी तक पहुंचे। और भगवान शिव की सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय भगवान शिव शंकर लिखे, क्योंकि भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, सारे कष्ट को दूर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब आपको बता देते हैं दोस्तों अपनी राशि फलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वालों, आज इस राशि के जातक के लिए इस दिन दोस्तों आपके काम कोडोट समय पूरा करने के लिए आत्मनिरीक्षण प्रयास है और परिणाम की जरूरत बनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको सोचे हुए काम समय से पूरा होगा और दोस्तों का पूरा सहयोग भी मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको आज इनके माध्यम से काम में आने वाली अचानक कोई बड़ी बाधाएं के कष्ट का बड़ा कारण बनेगी। इस दौरान आपको अपने काम किसी दूसरे के भरोसा छोड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा दोस्तों आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। कर्मचारियों को अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। कारोबार से जुड़े लोगों को अपने पर्चे दंडित से कड़ी प्रसिद्ध करनी पड़ेगी और ऐसे चीज स्थिति में किसी वर्जनाएं का व्यवहार से क्या मैं सोच समझकर ध्यान लगाएं, अन्यथा बाद में आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों प्रेम संबंध की दृष्टि से आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जाता है। प्रेम जीवन में किसी तरीके की एक्टिंग की या फिर गलतफहमियों के कारण आपके प्रेम संबंध प्रभावित हो सकते हैं। प्रेम संबंध से जुड़ी कोई भी फैसला गुस्से में आकर या फिर भावनात्मक से बढ़ाकर न लें, नहीं तो दोस्तों बाद में आपको बहुत बड़ी परेशानियां और समस्या सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता देते हैं कि अपने जीवन काल में आज का दिन आपके लिए लेन अध्ययन के मामलों में सावधानी बरतने के लिए रहेंगे दोस्तों, और आप अपनी जिम्मेदारियां बहुत ही सावधानी से पूरी करने नहीं होगा, या दोस्तों आपके दोस्त कोई चूक सकता है, या आपके जीवन में अपने बढ़ते खर्चों का नियंत्रण बनाए रखना होगा। जो जातक विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है। दोस्तों आपको किसी निवेश संबंधित योजनाएं में बहुत ही सोच बोझ धन लगा सकता है होंगे दोस्तों। कामकाज को लेकर आदि आज परेशान चल रहे हैं तो आपकी हुआ सकारात्मक समस्या पूरियां दूर हो सकता है, और विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं के कारण आज अपने सीनियर की मदद भी लेनी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आदि आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, शुभ जगह पर जाना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानियां आपको परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने भाग्यशाली दिशा को अपना लेना होगा। दोस्तों आपके लिए आज भाग्यशाली दिशाएं पश्चिम रहने वाली है। भाग्यशाली संख्याएं दोस्तों 6 और भाग्यशाली रंग हल्का हरा रहने वाला है। यदि आप इन तीनों को अपने जीवन में अमल कर लेंगे, आपको किसी प्रकार की परेशानियां या फिर दोस्त किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं रहेगा और जीवन में हमेशा की तरह सफलता प्राप्त होते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब आपको बता देते हैं धन दौलत के बारे में। अगर आप सब धन दौलत को लेकर ज्यादा परेशान हो रहे हैं, ज्यादा दिक्कत में पड़े हुए हैं, तो आपको सबसे पहले आज भगवान शिव की आराधना करना पड़ेगा। अपने सच्चे हृदय सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और धन दौलत आना भी प्रारंभ हो सकता है। दोस्तों अब आपको बता देते हैं अपनी लव लाइफ के बारे में। जैसे कि दोस्तों सर आती है इनको आपसे बोलने में। जी हाँ दोस्तों, जो स्त्री आपसे सच्चा प्यार करता हो वह सबसे पहले आपसे बोलने में उनकी शर्मा आते हैं, लेकिन बाद में दोस्तों आपसे घुल मिल जाने के पश्चात बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं और बहुत जल्द इनसे संबंध बनने वाला है, क्योंकि दोस्तों तुम्हारे कुंडलियों में आज कुछ ऐसा ही योग लिखा हुआ है जिनके साथ है तुम्हारा संबंध बनने वाले हैं।
वही तुम्हारा सच्चा जीवन साथी बनने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को आज के हमारे इस वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें। और अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी वीडियो आप सभी तक पहुंचे। और भगवान शिव की सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय भगवान शिव शंकर जरूर लिखें। है इसे भाग्य का अच्छा होना कह सकते हैं या इसे नियति का विधान कह सकते हैं। दोस्तों आप समझ रहे हैं ना हम आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो मूल बात यहाँ पर यह है कि आपको अपना जीवन बदलना है। आपके जीवन में परेशानी है, चाहे वह परेशानी किसी भी प्रकार की हो, फिर चाहे वह पैसे रुपए की तंगी हो, मानसिक पीड़ा हो, चिंता हो, तनाव हो, या फिर घर में क्लेश है, रिश्ते नातों में परेशानी है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, कहीं ना कहीं यह आपका बिगड़ा हुआ ऊर्जाओं का स्तर है, संतुलन है, तो अभी से आपको ठीक करना है और यह आपकी जिम्मेदारी है। तो कोई और यह आपके लिए नहीं कर सकता है, यह बेहद ही व्यक्तिगत मामला है। तो अब आप यह कैसे करेंगे, बस इसी विषय पर हम प्रकाश डालने जा रही है। ध्यान से समझिए, हम अपने जीवन में कुछ न कुछ चीजें लाती रहती हैं और कुछ चीजें हटाते रहते हैं। कभी हम गाड़ी ले आते हैं, कभी हम मोबाइल खरीद लाते हैं, कभी हम अलग अलग प्रकार के कपड़े जूते अपने लिए लेकर आते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इन चीजों से एक खास प्रकार की ऊर्जा निकल रही होती है और यह ऊर्जा हमारे मन को, हमारे जीवन को प्रभावित कर रही होती है। इस वजह से हमें इसी चीज से अच्छा और किसी चीज से बुरा महसूस होता है। तो अब आप समझिए कि जब साधारण सी चीजों में ऊर्जा होती है कि वे आपको अच्छा या बुरा महसूस करवा सकती है, तो यदि डिब्बे चीजों की बात की जाए, जैसे रुद्राक्ष है, यंत्र है, या फिर तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उनकी अंदर तो बेहद ही शक्तिशाली ऊर्जा होती है। तो उसका तो आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव रहेगा। तो बस इसी बीच इस और गहरे विषय को आज हम आपको स्पष्ट तौर पर समझाने जा रही है। यहीं पर हम आपको आपके ही जीवन में कुछ ऐसी डिसीज गलतियां हैं जो आप लगातार कर रही हैं, इनके बारे में भी हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी बीच में इसे छोड़कर जाना नहीं दोस्त, अन्यथा आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लेंगे। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको जो बताने जा रहे हैं, आपके घर में दो ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये दोनों ही स्थान बेहद ही महत्वपूर्ण है वास्तु शास्त्र के अनुसार और लाल किताब के अनुसार इन दोनों स्थानों का बहुत महत्व है। अब ध्यान से समझिए, आपके घर में जो ईशान कोण है, यानी कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में बनने वाला कोण, इसे हम ईशान कोण कहते हैं। इस ईशान कोण में आपको एक वस्तु रखनी है और उसे एक वस्तु से इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा निकली जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल डालेगी। अब हम आपको उसे एक वस्तु के बारे में बताएं, उससे पहले हम आपको कुछ विशेष सावधानियों के बारे में भी बता दें, क्योंकि दोस्तों आपने यदि इन सावधानियों को नहीं बरता, यानी लापरवाही की, तो इस एक वस्तु से कोई भी विशेष लाभ आप नली नहीं पाएंगे। कोटा अक्सर यही है कि कई बार हम बहुत ही शक्तिशाली उपाय अपनी वीडियो में बताते हैं, फिर भी लोगों के ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमने उपाय कर लिया, फिर भी हमें कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ। तो जब उनसे और गहराई से बातें की जाती है तो पता चलता है कि उपाय तो उन्होंने कर लिया, लेकिन कुछ बड़ी गलतियाँ भी हैं जिन्हें भी लगातार दोहराते चली जा रही हैं। तो उस उपाय का उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर जब उनकी गलतियों को सुधार दिया गया तो उनको उस उपाय से लाभ भी प्राप्त हुआ, और जिस विशेष कार्य के लिए उस उपाय को किया गया था वह भी फलित हो गया। जैसे कुछ कर्ज के लिए होती है, कर्जा समाप्ति के लिए, कुछ लड़ाई झगड़े से मुक्ति के लिए होते हैं, विवादों से मुक्ति के लिए होती है, तो अलग अलग प्रकार के उपाय होती है। तो अब इसे एक वस्तु से जुड़े हुए सावधानियों के बारे में पहले आपको हम बता दें, आपके घर का ईशान कोण है, उसमें दो बातें कभी नहीं होनी चाहिए। पहली कि वहाँ अंधेरा अभी नहीं होना चाहिए, दूसरा कि वह कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब गंदगी से हमारा मतलब है कि लोग वहाँ डस्टबिन रख देते हैं,
जूते चप्पल रख देते हैं या किसी अन्य प्रकार की टूटी फूटी चीजें रख देते हैं। उनका कोई कमरा है जो ईशान कोण में पड़ रहा है, तो वहाँ उन्होंने रोशनी की ही व्यवस्था ही नहीं करवा रखी है, बल्ब ही ठीक से नहीं लगाए हैं, या फिर वहाँ पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। तो ऐसी चीजें यदि आपके घर के ईशान कोण में हैं, यानी कि नकारात्मक चीजें हैं, तो आप इस उपाय को कर भी लेंगे तो आपको कोई विशेष लाभ होगा नहीं। कारण यह है कि ऊर्जाओं का संतुलन तो सही होगा या नहीं, और जब संतुलन बिगड़ा रहेगा तो लाभ मिलने का तो कोई अवसर ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके घर का जो ईशान कोण है, पहले तो ठीक से उस ईशान कोण का पता लगाइए। अब आप इसे कैसे पता लगाएंगे, यदि आप साधारण तौर पर देखेंगे तो आप कहेंगे कि जहां सूर्य निकल रहा है वह दिशा है, सही भी है, लेकिन कभी कभी इसका अंदाजा गलत हो जाता है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोग सीधे इशारा करके बोलते हैं कि यह पूर्व दिशा है, लेकिन जब गौर से देखा जाए तो वह पूर्व दिशा निकलती ही नहीं है, यानी कि कुछ अंश कुछ डिग्री का अंतर रहता है। इसके लिए आपको सूर्योदय के समय जागकर देखना होगा, अपने घर की छत पर जाकर किशोरी किस दिशा में निकल रहा है, ठीक उसी दिशा में आपको अपने घर की छत पर खड़े हो जाना है, यानी छत के बीचों बीच सूर्य निकलने की दिशा में अब वह पूर्व दिशा है, और आपकी पीठ पर पश्चिम दिशा है, बाएं हाथ पर उत्तर और दाएं हाथ पर 10-36 है। अब आपको अपने घर के कोने मार्क कर देने हैं, यानी चिन्हित कर देना है कि इस कोने में यह दिशा है, उस कोने में वह दिशा है। दोस्तों आप समझ रहे हैं, यदि आप दिशाओं का और कोणों का यूनिकोड का सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे तो फिर उपाय विफल हो जाएगा, क्योंकि हर कोने की अपनी एक अलग क्या है, हर कोने में अलग शक्ति का वास होता है। जैसे ईशान कोण में भगवान भोलेनाथ का वास होता है, पूर्व दिशा में सूर्य भगवान का वास होता है, पश्चिम दिशा में शनि देव का वास होता है, इसी प्रकार उत्तर दिशा में को वीर का वास होता है। तो हर दिशा और हर कोण का अपना अलग महत्व है। तो आपने यदि गलती से उपाय की कोई वस्तु इस होने के बजाय उस कोने में रख दी तो उसके नकारात्मक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसका एक तरीका तो यह है कि आप अपने घर की छत पर जाएं, सूर्योदय के समय देखें कि सूर्य किस दिशा में निकल रहा है। इससे आप भली भांति पता चल जाएगा कि बहुत सारे घर हमने ऐसे देखे हैं कि वह पीछे बने होती है, यानी कि उनके घर के कोने में पूर्व दिशा पर रही होती है, और उन लोगों को असल में इस बात की गलतफहमी रहती है कि सामने पूर्व दिशा है, लेकिन पूर्व दिशा असल में थोड़ी सी कोने में होती है, तिरछी होती है। तो यह सब आपको जानना बहुत अनिवार्य है। अब आपने अपने घर में ईशान कोण का पता लगा लिया है, यानी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच के हिस्से को ईशान कोण कहेंगे। भगवान भोलेनाथ का यह वास होता है, बेहद पवित्र स्थान है यह है। इस स्थान को पहले आपको साफ सुथरा करना है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, प्रकाश की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए, सुगंधित पुष्प ऐसे स्थान पर आप है यदि नहीं लगा सकते तो केवल मनी प्लांट ही लगाइए, क्योंकि अगर आपके घर में कमरा बना हुआ है ऐसे स्थान पर तो आप वहां पर फूल पौधे नहीं लगा पाएंगे, तो आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, वह कमरे के अंदर भी फलित हो जाता है, यानी कि खूब फलता फूलता है। तो आप मनी प्लांट लगाइए, यानी हरे भरे पौधे लगाना अनिवार्य है, और इस स्कोर पर आपको शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल होता है, और प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आपके घर में अवश्य ही आते हैं, यह उनका समय होता है। तो ऐसे में यदि आप ईशान कोण में दीपक जलाए गए तो आप समझ में कि भगवान भोलेनाथ बहुत खुश हो जाएंगे। जब भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो फिर सब कुछ अच्छा ही होना है। तो यह क्रिया आपको करनी है। अब बात करती है उस चीज के बारे में जिससे हमने यह वीडियो शुरू किया था, यानी कि वह खास चीज कौन सी है। तो ध्यान से सुनिए, आपको सोमवार के दिन यह उपाय करना है, और फिर नित्य सुबह आय को ज्यों का त्यों बने रहना है, यानी एक बार करना है, फिर इसे ज्यों का त्यों आप वहीं ऐसा ही छोड़ दे,
तो ध्यान से सुनिए, आपको एक तांबे का लोटा लेना है। जी हाँ दोस्तों, तांबे का लोटा लेना है, साफ सुथरा स्वच्छ होता लेना है। और उस लोटे में आपको पीली सरसों पूरी भरती नहीं है, ऊपर तक पूरी हुई पीली सरसों आपको भर देनी है। और इस लोटे को आपको अपने घर के ईशान कोण में रख देना है, जहां दोस्तों अब आप शाम के समय जो दीपक जलाएंगे उस दीपक को आप इस लोटे के ऊपर ही रखकर जलाएंगे। अब आप लोटे के ऊपर कोई ढक्कन बगैर नहीं रखेंगे। दोस्तों इस राशि के लोग बुद्धि से तेज, समझदार और आत्मविश्वासी स्वभाव के होते हैं। ये किसी भी काम को पूरी मेहनत और लगन से करने में विश्वास रखते हैं। ये लोग अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से हर एक क्षेत्र में दूसरों से आगे होते हैं। ये लोग लीडर प्रवृत्ति के होते हैं और भीड़ में सबसे आगे रहते हैं। कई बार ये भीतर से कुछ अलग और बाहर से अलग नजर आते हैं। ये लोग भीतर से कई कष्ट भी सहते हैं, लेकिन बाहर इनकी आह तक नहीं निकलती है। नौकरी और व्यापार में जोखिम उठाने वाले निर्णय लेने से बचें। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से प्रारंभ बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम स्थान पर गुरु एवं शनि ग्रह की संयुक्त दृष्टि प्रभाव से आपके व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति के साथ इच्छित स्थान पर स्थानांतरण भी हो सकता है। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपको आत्मविश्वासी और साहसी बनाए रखेंगे। इस दौरान आप रिस्क लेंगे और नौकरी में बड़े फैसले ले पाएंगे, लेकिन नई नौकरी ढूंढने के लिए एकदम बढ़िया नहीं है। बिजनेस में भी एकदम से किसी लाभ की आशा ना करें और ना ही बिजनेस पार्टनर पर बार बार शंका करें, इससे आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। पारिवारिक दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। तृतीय गुरु पर शनि की दृष्टि प्रभाव से आपके पराक्रम और कार्य क्षमताओं का विकास होगा। चतुर्थ स्थान पर गुरु ग्रह के गोचरीय प्रभाव से आपका घरेलू वातावरण अनुकूल रहेगा। माता पिता सहित पूरे परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से संबंध मधुर होंगे। संतान की दृष्टि से यह वर्ष सामान्य रहेगा। वर्ष आरंभ में आपके बच्चे अपने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ेंगे, वह अपने बौद्धिक बल पर अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। राशि में स्थित शनि आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनाए रखेंगे। संतुलित भोजन करें और अनुशासित जीवन शैली अपनाएं। लापरवाही बिल्कुल ना करें। शनि की साढ़े साती का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टि से अनुकूल रहेगा। शनि की साढ़े साती की वजह से जोखिम उठाने वाला निर्णय लेने से बचें। इस वर्ष अचानक कुछ ऐसे खर्चे आ जाएंगे जिससे आपका बजट बिगाड़ सकता है। गुरु ग्रह का गोचर चतुर्थ स्थान में होगा, उस समय आपको भूमि, भवन और वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त हो सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह सामान्य रहेगा, क्योंकि सफलता प्राप्त हेतु आपके अथक प्रयास करना पड़ेगा। विद्यार्थियों की अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ेगी। आलस्य की भावना सफलता में बाधक हो सकती है, इसलिए इस वर्ष आपको आलस्य से बचना चाहिए। उपाय, शनिवार के दिन शनि मंदिर में दर्शन करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, श्री हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए पूरे वर्ष लाभदायक रहेगा। आप एक साधारण आदमी हैं और इसीलिए आप संबंधों में कोई चालाकी नहीं करते, इससे आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन यह सब अधिक समय तक नहीं चलेगा। आखिर में चालाकी के स्थान पर आपकी सरलता की ही जीत होगी। अपनी संवेदनाओं को नियंत्रण में रखें। करीबियों के साथ अच्छा वक्त बिताने की संभावना बनी हुई है। कुंभ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल, आप आज काफी जोशीले और सक्रिय मूड में हैं। आप पिछले कई दिनों से छोटे मोटे खिंचाव और दर्द की गिरफ्त में थे, इससे आप मूडी और चिड़चिड़े से हो गए थे। आज आप उस सारी फीलिंग से मुक्ति पाकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अनुभव करेंगे। आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से लेने और बेहतर जीवन शैली की ओर मुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में
बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दे ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।